हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले स्वीट स्नैक्स उन्नीअप्पम, जो टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ बहुत हेल्दी है और जिसे बनाना भी बहुत आसान है। उसके लिए मैंने लिए है रेगुलर चावल, जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं, वो एक कटोरी। उसके अलावा गुड़, दो केले पके हुए, सूखा नारियल है, तिल्ली एक टीस्पून है, सौंठ का पाउडर, सूखा हुआ अदरक का पाउडर, उसके अलावा डेसिकेटेड कोकोनट है और ये खाने का सोडा, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके अलावा मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और एक चुटकी नमक का इस्तेमाल किया है। इन चावलों को मैंने धो के 4 घंटे के लिए भीगने रख दिया था। उसके बाद मैं इसको निकाल के छन्नी में डाल रही हूँ ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पंखे के नीचे कपड़े में डाल के थोड़ी देर के लिए रख सकते हो। उसके बाद मैंने एक बर्तन लिया, उसमें मैंने डाला है 1 कप गुड़। उसके बाद आधा कप पानी डाल के इसे मैं मेल्ट होने के लिए रख रही हूँ। इसका हमें चाशनी नहीं बनाना है, जस्ट हमें इसे मेल्ट करना है। मैं स्पून से इसको थोड़ा सा तोड़ रही हूँ, तोड़ के इसे मेल्ट होने दे रही हूँ। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। चावल में से पूरा पानी निकल गया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसको डाला मिक्सी के जार में, डाल के मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करते समय भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, करने के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ है, इसको हमें और पीसना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केले, पके हुए केले, 2 केले डाल रही हूँ। केले अच्छे पके होने चाहिए। अब मैंने केले का छिलका उतार के तोड़ के इसमें डाल रही हूँ। डाल के मैं इसको एक बार और ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद इसमें हम लोग गुड़ का पानी डालेंगे। पहले एक बार मैं इसको बंद करके थोड़ा सा इलायची डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, डाल के मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। ये ग्राइंड हो चुका है। अब जिस गुड़ का हमने सिरप बनाया था उसको ठंडा करके छान के डालना है, अदरवाइज इसमें कुछ गंदगी रहेगी तो वो आ जाएगी, इसलिए हमें छानना ज़रूरी है। अब मैं इसे छान के ग्राइंड कर रही हूँ। ये बैटर बना के आप चाहो तो रात भर के लिए फर्मेंट होने के लिए भी रख सकते हो, वैसा करने से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट हम लोग इंस्टेंट बना रहे हैं। अब ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। ग्राइंड होने के बाद अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब मैंने रखा है एक सॉस पैन, उसमें मैंने डाला है घी। घी डाल के जो सूखा नारियल था उसका मैंने आधा लिया है, मतलब 1/4 हमें सूखा नारियल लेना है। लेके मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काटने के बाद ये 2 टेबलस्पून है, काट के मैं इसको घी में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो ऑयल को भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट घी में करोगे तो फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब जो बैटर है, जिसको हमने चावल का बैटर ग्राइंड कर लिया था गुड़ और केले डाल के, उसको मैं एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। उसके बाद उसमें फ्राई किए हुए नारियल डाल रही हूँ। नारियल डाल के बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें डालूंगी। ये है तिल्ली, मैंने सफ़ेद तिल्ली का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास काली वाली तिल्ली हो तो आप वो डालना। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सौंठ का पाउडर। उसके अलावा मैं डाल रही हूँ कूटी काली मिर्च, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद डेसिकेटेड कोकोनट, ये 2 टीस्पून है, डाल के अब 1 चुटकी नमक। नमक डालने के बाद इसमें मैं खाने का सोडा डाल रही हूँ, ये 1/4 टीस्पून है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये इंस्टेंट वाला है इसलिए मैं खाने का सोडा डाल रही हूँ। अगर आप इसको रात भर रख के नेक्स्ट डे बनाओगे तो सोडे की ज़रूरत नहीं है, वैसा करने से और अच्छा टेस्टी बनेगा। अब बैटर रेडी है, मैं इसको रख रही हूँ आधे घंटे के लिए साइड में। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा सा और थिक हो गया है। अब ये उन्नीअप्पम बनाने के लिए रेडी है। अब मैंने रखा है अप्पे का पैन। अप्पे का पैन रख के इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा भी ऑयल डाल सकते हैं, बट ये नॉन स्टिक पैन है इसलिए मैंने कम ऑयल डाला है। डाल के जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम लोग डालेंगे अप्पे का बैटर। ये उन्नीअप्पम बना के आप 3-4 दिन तक भी रख सकते हो। इसे स्पेशली ओणम में बनाया जाता है, इसे मंदिरों में प्रसाद के लिए भी बांटा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है क्योंकि इसे हम लोग चावल और केले और गुड़ से बना रहे हैं। आप चाहो तो चावल के आटे से भी बना सकते हो, बट चावल के आटे से बनाने से उतना क्रिस्पी नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा हार्ड रहेगा। ये अपन चावल से बना रहे हैं इसलिए ऊपर से क्रिस्पी रहेगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा। अब मैंने थोड़ा थोड़ा और ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के इसे ढक के मैं 5 मिनट तक धीमी आंच पर रहने दूंगी। अगर हम लोग हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये जल्दी जल जाता है। इसमें गुड़ होने की वजह से इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। 5 मिनट बाद ये अच्छे से हो गया है, मैंने पलट रही हूँ। पलट के 2-3 मिनट तक मैं और रहने दूंगी। 2-3 मिनट बाद एक बार चेक करना ये हुआ कि नहीं। ये हो चुके हैं, अब मैंने निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल के इसी तरीके से मैं सारे उन्नीअप्पम बनाऊँगी। ये उन्नीअप्पम आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट डीप फ्राई करने से थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा हो जाएगा, बट टेस्टी वो भी बहुत रहेगा। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी उन्नीअप्पम बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।